नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाड़ी अंग्रेज ब्लॉग्स की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछली कुछ वीडियोस में देखा कि हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं एचपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए। तो दोस्तों एचपी पुलिस का जो टेस्ट है उसमें सबसे पहले जो आपकी सबसे बेसिक चीज है वो है आपका फिजिकल टेस्ट, जो कि है ग्राउंड टेस्ट, जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप रिटन एग्जाम में बैठ पाते हो। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे कि ग्राउंड टेस्ट में कौन कौन सी चीजें होती है, किन बेसिस पे आपको वहां पर क्वालिफाई किया जाता है ताकि आप रिटन टेस्ट के लिए आ सके। तो आज हम बात करेंगे पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही पुलिस की नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन आने के एक या डेढ़ महीने के बाद आपके ग्राउंड टेस्ट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपके एक या डेढ़ महीने के बाद शुरू हो जाते हैं नोटिफिकेशन के। तो अगर आप ग्राउंड टेस्ट को पास करोगे तभी आप रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंड टेस्ट में आखिर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे ही आप ग्राउंड में एंटर होते हैं सबसे पहले आपका वहां पर हाइट का मेजरमेंट होता है। तो दोस्तों हाइट का मेजरमेंट भी मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होता है। तो दोस्तों मेल में जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी है उनकी हाइट होनी चाहिए 5'6", और अगर आप फीमेल है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों 5'2". इसी के साथ दोस्तों एससी एसटी के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 5'4" और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 5'। इससे ज़्यादा अगर आपकी हाइट है तो आपको हाइट के नंबर भी लगते हैं और आप एलिजिबल होते हैं ग्राउंड टेस्ट के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आप हाइट का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, आप हाइट में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट आ जाते हैं ग्राउंड में। तो ग्राउंड में आपके इवेंट होते हैं कुछ, वो है 3 इवेंट होते हैं आपके कुल मिला के, जिसमें कि आपका होगा एक ब्रॉड जंप, एक हाई जंप और एक होगी रेस। तो आपको इन तीन दोस्तों ब्रॉड जंप और हाई जंप के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप पहले चांस में नहीं कर पाते आपको दूसरा चांस दिया जाएगा, आप दूसरे चांस में भी नहीं कर पाते आपको तीसरा चांस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप तीनों चांस में नहीं कर पाते तो आपको इसके बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा और आप अपने सपने से पीछे हट सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें। तो सबसे पहले हो सकता है आपका ब्रॉड जंप हो या हो सकता है आपका हाई जंप हो। तो ब्रॉड जंप में अगर मैं सबसे पहले फीमेल की बारे में बात करूं तो ब्रॉड जंप होता है जो एक लंबी कूद होती है, उसके लिए हम बहुत पीछे से पूरे स्प्रिंट के साथ दौड़ते हुए आते हैं और एक लाइन यहाँ मान लो कहीं पर भी इस तरफ लगी होगी, दूसरी लाइन यहाँ लगी होगी, तो हम यहाँ से दौड़ते हुए आएंगे और इसको हमने जंप करके इस तरफ को हमने छलांग लगानी है। तो ये छलांग दोस्तों लगभग 10 फीट के आसपास होती है। इसका जो क्राइटेरिया है वो है 3 मीटर फीमेल्स के लिए, और अगर आप स्प्रिंट लेकर आओगे तो मतलब बहुत तेजी से दौड़ कर आओगे तो आप इस चीज को क्वालिफाई कर लोगे। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों हम हाई जंप पर। हाई जंप कितनी होती है? हाई जंप होती है एक तरफ यहाँ आपके एक पोल यहाँ लगेगा, एक पोल यहाँ लगेगा, उसके बीच आपके एक पाइप लगी होती है, आपको उस पाइप को छलांग मार के क्रॉस करना होता है। तो ये होता है फीमेल्स के लिए 1 मीटर यानी कि 3 फीट के आसपास, 3 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसको भी आप जंप करके अगर आप क्लियर करते हैं इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं। 3 में से अगर आप पहले चांस में कर देते हो तो आप क्वालिफाई है, दूसरे में नहीं कर पाते, तीसरे में कर देते हो तब भी आप क्वालिफाई हो, लेकिन 3 चांस के अंदर आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आता है फीमेल का ग्राउंड यानी कि रनिंग, वो है आपकी 800 मीटर जो कि आपको 4:15 में पूरी करनी पड़ती है, और अगर आप 4:15 से थोड़ा भी लेट हो जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको ये तीनों क्राइटेरिया फीमेल के लिए पूरा करना पड़ता है रिटन टेस्ट में बैठने से पहले। तो बॉयज़ के लिए है ब्रॉड जंप 4 मीटर यानी कि 13 फीट के आसपास, जो आपको लंबी कूद लगानी पड़ती है। उसके बाद है हाई जंप जो कि मैंने आपको बताया, वो है 4 फीट यानी कि 1.25 मीटर के आसपास, और बॉयज़ के लिए जो ग्राउंड का क्राइटेरिया होता है वो है 1500 मीटर की रेस होती है जो कि आपको 6:30 में पूरी करनी होती है। तो इसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस करें, तैयारी करें ताकि आप रिटन टेस्ट में पहुंचने से पहले एक बार अपने ग्राउंड टेस्ट की भी तैयारी कर लें, क्योंकि ग्राउंड टेस्ट पास करने पर ही आप रिटन में बैठ पाओगे, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आप रिटन टेस्ट में नहीं बैठ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी कि क्या क्राइटेरिया होता है
रिटन टेस्ट में बैठने से पहले ग्राउंड का ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाई जंप और ब्रॉड जंप के लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं, रेस में आपको सिर्फ 1 चांस दिया जाता है जो कि आपको निश्चित समय पर पूरी करनी होती है। अगर आप उसको नहीं कर पाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, और अगर आप इन तीनों चीज़ों को पूरा कर लेते हो तभी आप रिटन टेस्ट में बैठ पाते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो दोस्तों अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पर फायरिंग शुरू हो चुकी है, तो हमारा बैच जल्दी ही यहाँ से निकलने वाला है। तो अब बारी है आप लोगों की, आप जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दे और नए बैच में आने के लिए आप लोग, आई होप आप सभी लोग तैयार हैं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।